please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. PNB से धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी का एंटीगुआ एंड बाबुडा के नागरिकता मिलने की खबरों के बीच उन्होंने भारत नहीं लौटने का दावा किया। मेहुल चोकसी ने दलील दी कि उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाने के मकसद से एंटीगुआ एंड बाबुडा की नागरिकता ली, लिहाजा उनके इस दावे के बाद भारत में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। बैंक फ्रॉड मामले में आरोपी मेहुल चोकसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। नीड्स टू आंसर व्हाई डजंट ही पिक अप द फोन एंड कॉल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंटीगुआ टू डिटेन एंड अरेस्ट मेहुल चोकसी एंड हैंड हिम ओवर टू अस। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। एंड द फर्स्ट केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट नीरव मोदी एंड चोकसी, सो गवर्नमेंट इज वर्किंग विद फुल एक्सपेडेंसी टू ब्रिंग हिम बैक। मेहुल चोकसी पीएनबी के साथ 13,000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी है। यही वजह है कि उन्हें भारत लाने के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना बना रही। सियासी घमासान के बीच इसी महीने उनके एंटीगुआ में होने की खबरें आईं, जिसके बाद सीबीआई ने एंटीगुआ के अधिकारियों से मेहुल चोकसी के मामले में संपर्क किया। हालांकि एंटीगुआ सरकार ने भारत की तरफ से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण से जुड़ी कोई पहल न करने का दावा किया। My government will cooperate fully with the Indian government. We will proceed with the revocation, but that in itself also has to go through the process. इससे पहले मुंबई की पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने एक समन जारी कर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को 25 और 26 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र के पुणे में कुछ पुलिस वाले रात के अंधेरे में एक मुस्लिम अनाथ आश्रम के बाहर जांच करने लगे। इस अनाथ आश्रम में दो बच्चों ने वहां एक टीचर पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आश्रम पर छापा मारा और वहां से 35 नाबालिग बच्चों को छुड़ा लिया और यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जहां से दो बच्चे गायब थे और रेलवे स्टेशन पे एक साथी नाम की संस्था है उनको मिले और उनके बच्चों का कहना था कि यहां पे एक टीचर ने उनका यौन शोषण किया। दावा किया गया कि अनाथ आश्रम की आड़ में मानव तस्करी की जा रही थी। बच्चों को तो हम रेस्क्यू करके अभी ले जा रहे हैं साथ में और पेरेंट्स को ढूंढेंगे, देखेंगे कि कौन ट्रैफिकिंग में कहीं पेरेंट्स भी तो इन्वॉल्व नहीं है। पुलिस ने बताया कि रेस्क्यू किए गए बच्चे बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं और वो इस अनाथ आश्रम में कैसे पहुंचे इसकी जांच तेज कर दी गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया। कंपनी के लिए ये तिमाही शानदार रही। इस दौरान कंपनी का शुद्ध मुनाफा 4.5% बढ़कर 9,485 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी की आय में 42% से ज्यादा का उछाल रहा। साल की पहली तिमाही में आरआईएल की कुल आय 1,29,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई तो रिलायंस जियो की कमाई में भी बड़ी छलांग देखने को मिली। जियो का मुनाफा पिछली तिमाही से करीब 20% ज्यादा रहा। जियो ने इस तिमाही में 612 करोड़ रुपए की कमाई। रिलायंस जियो की आय से भी करीब 14% की तेजी रही। कंपनी की आय पिछली तिमाही में 7,128 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 8,109 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। देर रात करुणा निधि को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख 94 साल के एम करुणा निधि की तबीयत खराब होने के बाद चेन्नई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस के सिपाही पर एक कैंसर पीड़ित महिला से डरा धमकाकर 3 साल तक रेप करने का आरोप लगा। यूपी के नोएडा में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं के बाद इलाज कराने पहुंचे मरीजों ने जिला अस्पताल में पिछले 20 दिनों में रेबीज के इंजेक्शन खत्म होने का आरोप लगाया। बिहार के कटिहार में बिजली के तार की चपेट में आकर करंट लगने से एक महिला और उसके 3 साल के बेटे की मौत हो गई। यूपी के ललितपुर में एक महिला ने 2 लोगों पर उसे अगवा कर 1 महीने तक तंत्र मंत्र की आड़ में रेप करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ पुलिस वाले हाथ में पिस्तौल लेकर कुछ तलाश करने लगे। वहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाशों को पुलिस की गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने घायल हुए इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस मुठभेड़ में पुलिस का भी एक जवान गोली लगने से घायल हो गया। घटना के बाद मौके से पुलिस ने एक बाइक और कई तमंचे भी बरामद किए। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल में 3 बदमाश आते दिखाई दिए, जैसे ही उन्हें रोकने का प्रयास किया वो रुके नहीं। पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए बदमाश इलाके में हुई कई लूट की वारदात में शामिल थे। पुलिस की गोली लगने से घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
दिल्ली के जसोला में सड़क पर भरे पानी में खड़ा ट्रैफिक पुलिस का एक जवान वहां से गुजर रही गाड़ियों को गड्ढे से बचकर निकलने का इशारा करने लगा। वहां तेज बारिश के बाद सड़क का एक हिस्सा धंसने के बाद वहां पानी भर गया, जिस वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया, जिसके बाद एमसीडी के एक कर्मचारी ने गुजर रही गाड़ियों को गड्ढे से बचाने के लिए वहां एक ट्रैफिक कोन रख दिया। इस दौरान वहां मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस का जवान गड्ढे में भरे पानी के बीच खड़ा होकर जाम खुलवाने की कोशिश भी करने लगा। जसोला की तस्वीर हम आपको दिखा दें, यहां पे सड़क पर गड्ढा है, सड़क टूट चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। कुछ देर बाद एमसीडी कर्मचारी ने गड्ढे में भरे पानी को भी निकाल दिया। हालांकि तेज बारिश के बाद पानी भर जाने की वजह से सड़क का एक हिस्सा उखड़ गया और नाले के ऊपर बने फुटपाथ को भी नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में घाट पर रात के अंधेरे में कई लोग गंगा नदी में डुबकी लगाने लगे। इन लोगों ने नदी के सबसे लंबे चंद्र ग्रहण के शुरू होते ही गंगा स्नान किया। इससे पहले घाट पर सैकड़ों की संख्या में लोग ढोल मजीरा बजाकर चंद्र ग्रहण के होने का इंतजार करते नजर आए और जैसे ही रात 11:54 पर चंद्र ग्रहण शुरू होने के साथ ही देश के अलग अलग इलाकों में लोग आसमान की तरफ देखने लगे। ठीक इसी वक्त पृथ्वी की परछाई वाले हिस्से में चांद दाखिल हुआ और धीरे धीरे उसका आकार घटने लगा। इस बीच देश के लोगों ने आसमान में चांद को कई रंगों और आकारों में देखा। ठीक 1 बजे चांद पृथ्वी की परछाई से पूरी तरह ढक गया। चंद्र ग्रहण के इस नज़ारे को देखने की उत्सुकता बड़े लोगों के अलावा बच्चों में भी दिखी। प्रभु पर ग्रहण लगा है, हम लोग उनका भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु को उद्धार हो, उसके बाद फिर से आशीर्वाद प्राप्त हो हम लोगों को। वहीं मुंबई के ताराघर में भी चंद्र ग्रहण देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन आसमान में घने और काले बादल के छा जाने से शुरुआत में लोगों को थोड़ी मायूसी हुई और जैसे ही बादल से चांद बाहर निकला तो पृथ्वी की परछाई का आधा हिस्सा चांद पर दिखा। लेकिन सुबह 4 बजे एक बार फिर से चांद बादल में छिप गया। हालांकि दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, वाराणसी, बेंगलुरु, लुधियाना और गुवाहाटी में सदी के सबसे लंबे चंद्र ग्रहण को लोगों ने देखा और कई लोगों ने इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया। वहीं बेंगलुरु में कुछ लोगों ने चंद्र ग्रहण के दौरान खाने की पाबंदी को दकियानूसी मान्यता करार दिया और खाने पीने का सामान लेकर चंद्र ग्रहण का इंतजार करने लगे। साथ ही लोगों ने चंद्र पर अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ हमला बोला। सम पंडित्स और एस्ट्रोलॉजर्स दे से दैट पीपल शुड नॉट कम आउट, पीपल शुड नॉट ड्रिंक वाटर, पीपल शुड नॉट ईट। इस बार चंद्र ग्रहण रात 11:54 से शुरू हुआ और सुबह 3:49 तक रहा, यानी ये पूर्ण चंद्र ग्रहण 1:48 तक बना रहा। कांग्रेस ने अमेरिकी संसद में पेश की गई उस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार को घेरा जिसमें चीन के डोकलाम में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का दावा किया गया। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की मंशा पर सवाल उठाया। साथ ही कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए डोकलाम में बढ़ते चीन के दबदबे पर सवाल पूछा। डोकलाम में चीन ने अपनी बढ़त बना ली है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे सीधे चुनौती भी है और खतरा भी। कांग्रेस ने डोकलाम पर केंद्र को घेरा तो बीजेपी ने उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के ऊपर वो जो कुछ भी आचरण कर रहे हैं वो अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप कर। डोकलाम पर जिस रिपोर्ट को लेकर सियासत गरमाई उसमें अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने ये दावा किया कि चीन डोकलाम क्षेत्र में चुपचाप अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है, साथ ही भारत को शामिल किए बिना वो भूटान से बातचीत की कोशिश भी कर रहा है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुस्लिमों के घर से बाहर नमाज अदा करने पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को सड़क पर नहीं घर पर ही नमाज अदा करनी चाहिए। राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कहा कि अजान के लिए मुस्लिमों को लाउड स्पीकर की क्या जरूरत है। अनेक मुसलमान सकाळची बांग देताना किंवा काय सकाळची अजान देताना आणि नंतरच्या तुम्हाला काय बांग देताना कशाला लाऊडस्पीकर पाहिजे? नमाज पढायचा आहे, घरामध्ये पढा ना, रस्ते कशाला अडवताय? चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल खेरा ने उन्हें नेता विपक्ष के पद से हटाए जाने पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही अपने समर्थक विधायकों को जुटाकर उन्होंने पार्टी आलाकमान पर को अपनी ताकत भी दिखा दी, जिसके बाद पंजाब आम आदमी पार्टी में बगावत की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। नेता विपक्ष के पद से हटाए जाने से नाराज सुखपाल खेरा ने पहले तो अपनी ही पार्टी के नेताओं पर साजिश का आरोप लगाया, इसके बाद उन्होंने दिल्ली में बैठे आला नेताओं को भी लपेट लिया। एक या दो आदमी ट्वीट करके थोड़ा फैसला कर सकते ना, एमएलए राय बहुत जरूरी है। इसके साथ ही खेरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ 2 अगस्त को बठिंडा में बड़ी रैली का भी ऐलान कर दिया। समर्थक विधायकों के साथ मीडिया के सामने आए सुखपाल खेरा ने इशारों में पार्टी को अपना फैसला बदलने की नसीहत दी।
उधर सुखपाल खेरा के करीबी माने जाने वाले कंवर संधू ने भी प्रवक्ता पद से इस्तीफा देकर अपनी नाराजगी जता दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हरपाल सिंह चीमा को पंजाब विधानसभा में नया नेता विपक्ष बनाया गया है, अब वो अपनी टीम खुद नियुक्त करेंगे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और शिवसेना पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सत्ता आने के बाद गरीबों पर हमले बढ़े। तुम्हारा मकसद सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान में नफरत पैदा की जाए, मुसलमानों को डराया जाए, दलितों को डराया जाए, वो डर और सहम कर खामोश बैठ जाए। दिल्ली के पास गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में कुछ मशीनें सड़क के बीच बने एक गड्ढे में मिट्टी गिराने लगी। ये सड़क गुरुवार को भारी बारिश के बाद धस गई, जिसके बाद प्रशासन ने वहां मरम्मत का काम शुरू किया। रिहायशी इलाके की सड़क पर बने इस गड्ढे में मशीनों की मदद से मिट्टी भरने का काम शुरू किया गया। इसके लिए कई ट्रकों के जरिए मिट्टी और रेत वहां डाली गई, साथ ही कई मजदूरों को भी काम पर लगाया गया। इस दौरान पास ही बने काफी बड़े गड्ढे में पानी भरा दिखाई दिया। सड़क धंसने के बाद वहां एक अपार्टमेंट की बाउंड्री वॉल के गिरने का खतरा मंडराने लगा, जिसे देखते हुए प्रशासन रेत की बोरियों से बाउंड्री वॉल के पास बने गड्ढे को भरने में जुट गया। आज जो है लगातार जो प्रशासन है वो यहाँ पर अमलीजामा पहनाने की कोशिश करेगी, ताकि यहाँ पर इस कटाव को रोका जा सके, इस तरह से कट्टों को लगाकर। इस दौरान मौके पर मौजूद प्रशासन के अधिकारियों से वहाँ रहने वाले लोगों की बहस हो गई। लोगों ने प्रशासन पर वहाँ की इमारतों को खतरे से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाने के आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने कोलकाता में मुलाकात की। बंगाल प्रशासन मुख्यालय में हुई इस बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। दोनों नेताओं ने कहा कि 2019 में बीजेपी को हराने के लिए समान विचारधारा वाले पक्षों को एक साथ आना चाहिए। The issues that Mamta Didi and I discussed, of course, no discussion between the two of us would be complete without discussing the prevailing situation in the country. भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जन आशीर्वाद यात्रा में सरकारी खजाना लुटाने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद इस मामले पर सियासी घमासान मच गया, क्योंकि कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मुख्यमंत्री की इस यात्रा को सीधे निशाने पर ले लिया। ये कलाकारी की यात्रा, इसका नाम इनको रखना चाहिए कलाकारी की यात्रा, कि जो कलाकारी चल जाए, जो हथकंडे का उपयोग कर पाए, ये उसका करें। कमलनाथ ने आरोप लगाए तो सरकार ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कमलनाथ जी का और कांग्रेस पार्टी का अलाइनमेंट बिगड़ गया, इसीलिए अब उनकी जवान भी फिसल रही है। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री 55 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा पर हैं, जिसके तहत राज्य में 700 से ज्यादा जनसभाएं करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के मुंगेर में बिजली गिरने से 3 की मौत। बिहार के मुंगेर में भारी बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के फरीदाबाद में ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूरों के 2 बच्चों की बारिश के पानी से भरे गड्ढे में खेलते वक्त डूबने से मौत हो गई। दिल्ली सरकार ने यमुना का जल स्तर बढ़ने के बाद उसके किनारे पर रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया। बिहार के भोजपुर में पुलिस ने एक दिव्यांग लड़की के रेप के फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने कोच और 86 साल के गुरु रमाकांत आचरेकर के घर जाकर उनसे आशीर्वाद लेकर उनका शुक्रिया अदा किया। भारत और एक्सिस के बीच ड्रॉ हुए 3 दिवसीय अभ्यास मैच में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन दोनों पारियों में बिना खाता खोले आउट हो गए। अभ्यास मैच और काउंटी खेले बिना स्पिनर आदिल राशिद को भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम में चुने जाने को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने हास्यास्पद करार दिया। चीन के खॉन्चिंग शहर में एक आदमी ने फ्लाईओवर से छलांग लगाई। फुटपाथ की ओर लटका यह आदमी सुसाइड करने की धमकी दे रहा था और कई घंटे तक फ्लाईओवर पर लटकने के बाद वो नीचे कूद गया। जान देने की कोशिश कर रहे आदमी को देखने के लिए जुटी भीड़ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। यही वजह रही कि बचाव दल के सदस्य एम्बुलेंस के साथ वहां तैनात हो गए, जबकि 2 पुलिस वालों ने उसे फ्लाईओवर के ऊपर जाकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने छलांग लगा दी। फ्लाईओवर से कूदते ही वो पुलिस वालों पर जा गिरा। इस हादसे में उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन एक पुलिस वाले की टांग टूट गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक कार बारिश के पानी से बह गई। भारी बारिश के बाद पंपर नदी में बाढ़ आ गई, जिसमें एक कार बहती चली गई।